हाँ जी, खास करके यह कमेंट तो मैं बहुत देखता था, आखिर आपके जो है देवर देवरानी किधर है, आपके देवर देवरानी जो है ब्लॉग में क्यों नहीं दिखते हैं, और आप लोग जो है अलग रहने लगे क्या, ऐसी क्या बात हो गई? तो मेरा पैसा मैं जहाँ खर्च करूँ, हमको लगता है इससे और लोगों को किसी तरह का मतलब नहीं रहना चाहिए। अगर रहता है तो सबसे पहले वो अपने बारे में देखें और अपना परिवार को देखें, अपने परिवार को देखें, बिल्कुल मेरे यहाँ क्या चल रहा है। नमस्कार जी, कैसे हैं आप लोग जी, स्वागत करते हैं आपका अपने इस नए ब्लॉग में। तो जी अभी बज रहे हैं रात के 10:30 और सभी लोगों का जो है खाना पीना हो चुका है और अब बारी है सोने की। तो हम लेने के लिए आए हुए हैं अपने बेटे क्रियांश को जो अपनी दादी के पास है। वही क्रियांश चले, अब अपना पोता को हम बोल रहे हैं, अब दादा दादी को समय दीजिए, अब मम्मी पापा के पास जाइए, वहाँ 1 घंटा पहरा दे करके चौकीदारी कीजिए, उसके बाद सोइए। इसका पहरा का कोई ठीक नहीं, कितना देर देगा पहरा ये? तो आज ये सोएगा, हमको लगता है 12-1 बजे से पहले नहीं सोने वाला है ये, क्योंकि जब एक सो करके जगता है तो 2-3 घंटा आराम से खेलता है। हर माँ बाप अपने औलाद का अहमियत तब समझता जब वह खुद औलाद उसको होता है। अब मेरे बेटे को पता चलता होगा कि मेरी माँ कितना की होगी। हम लोग सोचे थे कि क्रियांश जो है सो जाएगा ऊपर आ करके, लेकिन इसके सोने का कोई लक्षण नहीं है। और देख सकते हैं अभी क्रियांश कर क्या रहा है, बेसिन के पास आ गया है, उसके नल को घुमाना है। नल को नहीं, यहाँ पे देखिए ये है, इसको आता है बड़ा घुमाने ऐसे। अच्छा, इसे घूमता है, वाह, तो दिखा भी रहा है घुमा के। ओए बस 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 हो गया, हो गया, मन भर गया यहाँ से, फिर दूसरी जगह जाएगा। नया ठिकाना दिख रहा है, कहाँ जा रहा है क्रियांश? अच्छा, रास्ते में चलते चलते सोचता भी है कि कहाँ जाना है। बस ये मिला, हम लोग का रूम मिला है, रूम जाएगा, ये रूम में जाएगा, ये जाएगा मेरा ड्रेसिंग टेबल के पास। अच्छा, लैंप की पानी, लैंप को गिराना है, दिया जल्दी गिर जाएगा, गिर जाएगा। अरे भैया हो गया, कर लिया। आज प्रियांश को देख सकते हैं कहाँ घुसा हुआ है, कुर्सी के नीचे घुसा हुआ है, कहाँ घुस रहे हैं, उसको चोट ना लग जाए, देखना। वो है प्रियांश, हटा लो, हटा 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 जा, क्यूट से नटखट शैतान बच्चों को देखी। ये देख रहे दूध के गिलास की तरफ, निशाना वही है, पिएगा कुछ नहीं, देखना हो गया था, चुस्की ले ली दो, इतना तो कुछ हो नहीं, तीन तीन चुस्की मुच्छी बन गया, रही है मुंह देखिए, मुंह देखिए इसका, हो गया मुंह दिखा रे, मुंह दिखा, ए द नेक्स्ट डे ऊपर चलो, हाँ बहुत अच्छे बहुत अच्छे। तो क्रियांश आ गया है छत पर सीढ़ी से चढ़ के और यहाँ पर घूम रहे हैं मजे में, उसे मौसम आज अच्छा है। क्रियांश को देख सकते हैं, क्रियांश, ये क्रियांश,
खेबो करेगा तो दादी के बगल में बैठ के खाएगा। है क्या कर रहा है भैया, क्या लॉलीपॉप खा रहा है? तो अभी आए हुए हैं जी मार्केट, मार्केट में एक आए हुए हैं शॉप, तो आप देख सकते हैं पीछे सारा प्लाई सब है। यहाँ आप ऐसे बहुत लोग खाते रहते हैं कि आपका सामान बिखरा हुआ रहता है, और कुछ लोग सजेस्ट भी कर रहे थे कि आप जो है वार्डरोब बनवा लीजिए। एक फेलो यूट्यूबर है, वो भी हमारे घर आए हुए थे रुद्र और पूजा, तो वो लोग भी कह रहे थे आप वार्डरोब बनवा लीजिए, इतने कपड़े रखने की जगह जो है नहीं रहेगी यहाँ पर। तो हमने सोचा कि हाँ चलो बनवा ही लेते हैं, और प्रियांश का जन्मदिन भी आने वाला है 16 मई, तो बहुत सारे गेस्ट भी आएंगे, तो सामान रखने की दिक्कत भी आएगी, तो सोचा कि चलो बनवा ही लेते हैं। तो फाइनली हम आ गए हैं दुकान, तो कारीगर यही है भाई साहब, और अपना सामान लिखवा रहे हैं जो जो ज़रूरत है। आपके दुकान का नाम क्या हुआ अंकल? ग्लास एंड प्लाई। तो यह है जी पानी टंकी चौक के पास, अगर आप लोग यहाँ पर आना चाहते हैं तो आ सकते हैं, एक बार ज़रूर चेक कर सकते हैं। काफ़ी जेन्युइन प्राइस में आपको सामान यहाँ पर मिल जाएगा। 8 सर का 8 गो। तो सारा सामान तो सिलेक्ट हो गया जी, क्या क्या सामान लेना है, और जितना भी सामान लग रहा है अच्छी क्वालिटी का सामान लग रहा है, यहीं पर जो है सारा सामान लोड हो रहा है। यहाँ पर जी सारा सामान आ गया है, देख सकते हैं, और यहाँ पर जो रखा जा रहा है, अब रखा कहाँ जाए यह एक समस्या है, लेकिन किसी तरह से एडजस्ट करके कहीं पर जगह निकाल करके रखा जाएगा। तो अभी बज रहे हैं जी शाम के 7:30, और जिया जो है इसमें बिस्तर ठीक कर रही है, और इसी बिस्तर ठीक करने का जो प्रोसेस है दिन भर चलता रहता है, यह जो कभी खत्म नहीं होता है। टीवी ऑन हो गया भूल से हमसे। हाँ तो क्रियांश आता है इधर से उधर कर देता है, वैसे जानती है तुम्हारी ये बेडशीट छोटा भी है, हम भी चढ़ते हैं तब भी ऐसा हो जाता है, तब चेंज करो इसको। ये है लेकिन कोई बात नहीं, क्या करें, बिछा लेते हैं ना। हाँ, अच्छा लगता है, ये कलर बहुत प्यारा लगता है, इस वजह से बिछा लेते हैं। उसे बाकी एक कमेंट भी आते रहता है। अभी हम रिप्लाई करते हैं, आप जैसा कि मैंने पिछले ब्लॉग में आप लोगों को बताया था कि मैं जितने भी कमेंट आएंगे अब से, स्पेशली पहले तो मैं सबका रिप्लाई कर पाती थी, इधर कुछ दिनों से नहीं हो पा रहा था, है ना, तो प्रयास की वजह से नहीं हो पा रहा था क्योंकि टाइम मिलता ही नहीं, लेकिन अब जो भी कमेंट आएंगे मैं सारे कमेंट का रिप्लाई करूंगी। कुछ कमेंट मैं कर लेती हूँ, कुछ कमेंट ये कर रहे थे, तो आप लोग कमेंट जरूर कीजिएगा। और उस कमेंट में मैंने देखा कि कमेंट आ रहे थे ऋतु के बारे में, मोनू के बारे में, कि आपके देवर देवरानी नहीं दिखती है। हाँ जी, खास करके यह कमेंट तो मैं बहुत देखता था, आखिर आपके जो है देवर देवरानी किधर है, आपके देवर देवरानी जो है ब्लॉग में क्यों नहीं दिखते हैं, और आप लोग जो है अलग रहने लगे क्या, ऐसी क्या बात हो गई। तो सोचा कि इसके ऊपर जो है हम लोग जवाब नहीं देते हैं, सीधा माँ के पास ही चलते हैं, और सबसे अच्छा वही क्लियर कर देगी। हाँ, माँ बोलेंगी तो ज्यादा अच्छे से बोलेंगी और पूरा क्लियर जो सच है वो सब कुछ बताएंगे। बिल्कुल, तो चलते हैं। तो मम्मी को भी लेते आए हैं, और अच्छा करते हैं आप सीधा इन्हीं से पूछते हैं, कमेंट आता रहता है कि देवर देवरानी कहाँ है, वो लोग जो है वीडियो में नहीं दिखते हैं, और कुछ तो बस एक्सट्रीम लेवल पर चला गया कि देवर देवरानी आप लोगों से अलग क्यों रहते हैं, तो क्या बोलेगी? हमको तो लगता है कि मेरे परवरिश पर ऐसा सवाल किसी को नहीं उठाना चाहिए। जब तक हम जिंदा है तो अलग होने का सवाल नहीं है। और एक बेटा मेरा प्रोफेसर से जुड़ गया है, इसलिए आता जाता रहता है। और मनु का भी पढ़ाई का उम्र है, और उसके साथ उसकी पत्नी जो है वह भी इच्छुक रहती है कि हम भी पढ़े। बिल्कुल। तो हम सोचे कि दोनों को पढ़ने के लिए मौका क्यों नहीं दिया जाए, तब ईश्वर हमको सक्षम बनाए है, और दोनों बच्चे पढ़े लिखे हैं, तो हम समझते हैं कि अंतिम दम तक प्रयास क्यों नहीं किया जाए। बिल्कुल। रिजल्ट क्या होगा यह तो परमात्मा के हाथ में। और पढ़ाई लिखाई के लिए एक ऐसा जगह भेजा गया जहाँ की उसका माहौल है, और पढ़ता लिखता आज का ऑनलाइन है, कुछ भी है, लेकिन हर आदमी जो है ईश्वरचंद विद्यासागर नहीं और डॉक्टर रानी प्रसाद नहीं हो सकता। उसको माहौल दिया जाएगा तभी बच्चा पढ़ेगा। और इतना बड़ा बड़ा स्कूल खुला, बड़ा बड़ा कॉलेज खुला, हर माँ बाप का अरमान रहता है कि अपने औकात के अनुसार या अवकाश से ऊपर भी लोग किसी तरह लोग अपने बच्चों को भेजता है। रिजल्ट तो हम नहीं जानते, वह तो जो जानते हैं उनके हाथ में है, वो क्या करेंगे वही जानेंगे। आ इस पर किसी को कमेंट करना कि इनके परिवार में कुछ चल रहा है या पैसा बर्बाद हो रहा है कुछ भी, तो मेरा पैसा मैं जहाँ खर्च करूँ, हमको लगता है इससे और लोग को किसी तरह का मतलब नहीं रहना चाहिए। अगर रहता है तो सबसे पहले वो अपने बारे में देखें और अपना परिवार को देखें, अपने परिवार को देखें जब मेरे यहाँ क्या चल रहा है। और हम गारंटी तो किसी बात की नहीं है, वह तो गॉड के हाथ में है जो क्या होगा क्या नहीं होगा क्या होने वाला है। लेकिन इतना जरूर है कि निर्जा के जीते जी किसी भी तरह की परिस्थिति अगर उत्पन्न हो जाती है तो किसी को जानने का मौका नहीं मिलेगा, और वह बात ना सोशल मीडिया पर आएगी
आना मेरे बगल का पड़ोसी या मेरा रोड, तो कहीं पर जाएगा कि इसके सास में लड़ाई है, पुतों में लड़ाई है, पत्नी में लड़ाई है। बिल्कुल ऐसा आज तक ऐसा होने ही नहीं वाला है कभी। मेरे पति श्यामदेव राय जो है, और हमको नहीं लगता है, जो आज तक मेरा पड़ोसी भी कोई सुना होगा कि हम दोनों पति पत्नी में बहस भी हुआ है, तो हमको लगता है उस परवरिश का असर तो मेरे बेटा में भी होना चाहिए। वैसे हम ईश्वर से प्रार्थना करते हैं कि मेरे जैसा परिवार भगवान सबको दे। जहाँ तक की बात रही ऋतु बाहर रहती है, अगर हस्बैंड बाहर रह रहे हैं वो पढ़ रहे हैं तो ऋतु क्यों नहीं पढ़ेगी, है ना माँ? वो तो मूर्ख है, वो ग्रेजुएट है, ट्रेंड है, सीटेट का परीक्षा दी है, तो मतलब सोचो की कम्प्लीट तो कर ही गई। बिल्कुल, और क्या, हाँ, भगवान चाहेंगे तो उससे भी और इम्प्रूवमेंट होगा। बिल्कुल बिल्कुल। और कोई अगर इस तरह की बात करते हैं या कमेंट करते हैं या कोई भी छायावादी गपशप में हमारे बेटा को कहते हैं कि मतलब इतना पैसा खर्च हुआ अभी तक कोई सफलता नहीं मिली, या इसके परिवार में कुछ चल रहा है या कुछ है, हमको लगता है किसी बच्चे को अगर आप नीचा दिखा रहे हैं तो हम तो आपको मुंह खोल के कुछ भी नहीं कहेंगे, लेकिन हम भगवान शिव का उपासक हैं और हर पल उनके शरण में मेरी हाजिरी होती है, वो निष्पक्ष न्याय कर दे। तो मुझे लगता है कि आप मुझे इससे ज्यादा कुछ कहने की जरूरत नहीं है, माँ ने जो है जो भी है बात है सब कुछ क्लियर कर दिया। और बाकी जो लोग सोच रहे हैं कि दो भाई में आपस में लड़ाई हो गई, आपस में फूट है, तो बहुत ही गलत फहमी में है आप लोग। क्यों झगड़ा होगा, क्योंकि दोनों पढ़ा लिखा है, दोनों कमाने खाने लायक, कोई माँ बाप पर आश्रित नहीं है। अभी भी मैं हम ऊंचा सोचते हैं मोनू के लिए, इसलिए वह पढ़ रहा है, नहीं तो नौकरी की जहाँ तक बात होती है, इतना लोग प्राइवेट सेक्टर में नौकरी करके कमा कर रहा है, मेरा बेटा नहीं कमा रहा। बिल्कुल, तो उसके लिए सोचा गया है कि वह अभी उसका ये थोड़ा अच्छा सोचा जाए, और गवर्नमेंट जॉब सबकी तैयारी कर रहा है, जुडिशियरी सबके लिए कर रहा है, तो समय लगेगा। बिल्कुल जी, तो इसीलिए वह तैयारी कर रहे हैं और इसीलिए वो लोग बाहर है। तो ऐसा करते हैं जी, अब वीडियो को यहीं पर खत्म कर देते हैं। अब मुझे नहीं लगता है कि इसके ऊपर अब ज्यादा बात करने की जरूरत है, और आप लोग से हम हाथ जोड़ के प्रार्थना करते हैं कि सबके परिवार के लिए अच्छा सोचिए, तो हमेशा ईश्वर आपको भी अच्छा करेंगे। बिल्कुल जी, तो मिलते हैं आप लोगों से नेक्स्ट ब्लॉग में। बाय।